ब्यूटीफुल बनीस आई होप आप लोग अच्छे हो फेस्टिवल सीजन काफी जोरों शोरों से आ रहा है तो मैंने सोचा एक आधो दो मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर दो तो सबसे पहले मैंने टोनर लगाया फिर मैंने पॉन्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर लिया बड़ी डिब्बी खरीदने की औकात नहीं है मेरी इसलिए मैं छोटे से ही काम चला रही हूँ मॉइस्चराइजर लगाने से क्या स्मूथ स्किन हो गई यार मेरी और ये प्राइमर है ब्लू हेवन का जो कि मैंने एटी रूबीज में लिया था लोकल मार्केट से मैं छह महीने से इसे चला रही हूँ तो आप लोग सोच सकते हो मैं कितने कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं कंजूस नहीं हूँ बस मेरे पे पैसे नहीं है बस कंसीलर मुझे अपने स्किन टोन का पता ही नहीं चलता है मैंने अपने स्किन टोन से पचास सेट डार्कर कंसीलर ले लिया था पता नहीं किस खुशी में उससे मैंने डार्क सर्कल्स कवर किया एंड काफी अच्छे से हो गया बहुत ही अच्छे से लग रहा है कि कभी मुझे डार्क सर्कल्स था नहीं ना और ये फाउंडेशन मैंने बोला ना स्किन टोन का मुझे एग्जैक्ट ही नहीं पता है मैं कभी अपने स्किन टोन से, 50 so, से मिले 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 ले लेती और मैंने वो मेकअप अपने पैसों से खरीदा था वैसे मैं यही बोल रही थी फिर अच्छे से ब्लेंडिंग यार क्या ब्लैंडिंग हुई है एकदम मक्खन की तरह बटर लग रहा है मेरा स्किन फिसल और ये एक मेरा ब्लस है जो टूट चुका है जिसको मैंने अच्छे से सेट कर एंड क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मत बोलना कि मेरे में हाइजीन नाम की चीज नहीं है वो बहुत है बस मैं अपनी चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को ही खरीदने में अपनी किडनी बेच दी वैसे आप लोगों को एक बात पता है मेरी नाक है ना पकौड़े जैसी है तो मैंने सोचा उसे थोड़ा सा स्लिम बनाने के लिए कॉन्ट्योरिंग करते हैं बट ऐसा कुछ नहीं हुआ अब हम आटे में अपना मुंह आटे आ, नहीं पाउडर हाँ नहीं अपने मुंह पे पाउडर लगाएंगे ठीक है जिसको हम बेकिंग बोलते हैं तो अच्छे से मैंने अपने मुंह पे पाउडर थोप लिया है आई एक तो मेरा आईब्रोज यार दोनों की सेप ऐसी की तैसी है मैंने पता नहीं पार्लर वाली दीदी का क्या बिगाड़ा था उन्होंने तो मेरा आईब्रोज ही बिगाड़ दिया बट कोई नहीं अब हम लगाएंगे ट्रांजेसन सेट क्रीज सेट जो बोलना है बोल लो क्योंकि मेरे पास यही आई सैडो है मैं इसे ही यूज़ करती हूँ अपने पूरे आईलिड पे थोप लिया है मैंने ब्रश की हेल्प से क्योंकि हम थोड़ा सा ब्राउन स्मोक की आइस करेंगे ना इसलिए मेरे बस ये मेरा इकलौता जेल आई लाइनर है जिसको मैं आई लाइनर काजल आईब्रो फिलर हर चीज हर तरीके से यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास खरीदने के पैसे नहीं है एंड सेम आई लाइनर को मैंने काजल की तरह लगाया है एंड अच्छे से स्मज कर लिया है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था वैसे है ना नाइस nice! फिर जो आटा हमने अपने मुँह पे थोपा था उसे अच्छे से रिमूव किया फिर गालों को गुलाबी करने के लिए थोड़ा सा ब्लस लगाया और ये सौ रुपये वाला मस्कारा यार इसको खत्म करने के बाद पता चला कि ये सौ रुपये वाला है ही नहीं कितना अच्छा लग रहा है ये सौ रुपये वाला मस्कारा क्या वॉल्यूम प्रोवाइड करी और उसने मेरे लेसेस को काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मेरा इकलौता महंगा हाइलाइटर मेवलिन का नहीं इससे भी महंगे हैं बस मुझे आज यही यूज़ करना था क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया था अपने आँखों को भी थोड़ा सा चमकाने के लिए मैंने इनर कॉर्नर में हाईलाइटर लगाया और मेरी लिपस्टिक जो कि साढ़े पाँच सौ की है यार ये इतने महंगे प्रोडक्ट्स क्यों आते हैं और आई थिंक आई एम लुकिंग सुंदर है ना आप लोगों को कैसी लग रही वो कमेंट में बताना जरूर और इस फेस्टिवल सीजन में ये वाला मेकअप लोग जरूर ट्राई करना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर दिया करो यार इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में